ऑपरेशन के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं कि इन्फेक्शन हो सकती है उस जख्म वाली जगह पे, क्योंकि पहले ही इन्फेक्शन हुई हुई थी अपेंडिक्स की। अब जब आपने उस अपेंडिक्स को खोला है तो ये होता है कि अब वो इन्फेक्शन जो पहले ट्यूब में थी अब वो ज़ख्म पर लग सकती है, इसलिए एहतियात करते हैं ऑपरेशन के दौरान कि उस अपेंडिक्स ज़ख्म वाली जगह पे ना लगे। तो दूसरा ये होता है कि ऑपरेशन से पहले जैसे आपको पता चला कि इसमें अपेंडिक्स की फ़ीचर हैं, आपने डायग्नोसिस बना लिया, तशखीस कर ली, अब उसे ऑपरेशन के लिए आपने रेडी करना है, तो आप जैसे बेहोश करने लगते हैं उसको आप एक एंटीबायोटिक की डोज दे देते हैं, या आपका सर्जन डिसाइड करेगा कि कौन सी एंटीबायोटिक की डोज देनी है। या फिर आपको लग रहा है कि अपेंडिक्स फट गई है तो उस वक्त तो आपको जैसे ही आपका अभी तो डिसीजन लेना है कि सर ऑपरेशन करेंगे उस वक्त ही अपेंडिक्स की डोज दे देते हैं, और जब इन्फेक्शन बहुत सीवियर होती है तो ऑपरेशन के 5 दिन तक उसको एंटीबायोटिक की डोज लगती है। इसमें मतलब कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है कि ऑपरेशन के बाद सर्जरी वाली साइड पर इन्फेक्शन हो जाए। तो मैसेज ऑफ द डे इज़ के अपेंडिक्स का जिस्म में काम नहीं है कोई, लेकिन ये जिस्म को बहुत बुरी तरह मुतासर कर सकती है। वैसे वेस्टिजियल ऑर्गन है लेकिन इट कैन कॉज प्रॉब्लम, सीवियर प्रॉब्लम, और डेथ एंड लाइफ की सिचुएशन बन जाती है। और सेकंड मैसेज ये है कि जैसे ही आपको जो मैंने अलामत बताई हैं आपको आइडिया हो कि ये अपेंडिक्स का पेन हो रहा है तो आपने फौरन अपने सर्जन से रابطہ करना है और लेट हिम मेक द डिसीजन। आपने कोताही नहीं करनी, इसमें देर नहीं करनी, ये एक छोटा सा प्रॉब्लम जो कि छोटे से ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा। अगर आपने कोताही की और अगर आपने इसको सीरियस ना लिया तो ये सीवियर कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, और वो क्या होती है, वही अगर अपेंडिक्स फट जाती है पेट में तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है, और जो कि बाद में इट कैन प्ले हैवक टू योर लाइफ। तो आपने सर्जन के साथ अपने डिसीजन को मॉडिफाई करना है और इसके इलाज में देर नहीं करनी है।